And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials this is the list of the topics that we will cover from today's newspaper the first article is taken from editorial segment it is about recent monetary policy review this topic is important from our syllabus paper for indian economy point of view so let us see first of all the news article as i said रिसेंटली यानी कि येस्टरडे मोनिट्री पॉलिसी रिव्यू की गई है बाय मोनिट्री पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को हम लोग देखते हैं सबसे पहला अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग रेपो रेट आपको पता ही है कि मोनिट्री पॉलिसी कमेटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा होता है वो होता है रेपो रेट को चेंज करना अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है एक तरह का वो कॉन्ट्रैक्शनरी uh, मॉनिटरी पॉलिसी कहा जाता है ताकि थोड़े से पैसे को मॉप अप किया जा सके कि इंडियन इकोनॉमी से आई होप आपको ये तो पता ही होगा कि अगर ग्रोथ को बढ़ानी है तो रेपो रेट को घटाया जाता है और अगर इन्फ्लेशन को घटाना है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो अभी आरबीआई ने क्या किया है आरबीआई ने रेपो रेट को फिक्स्ड रखा है फोर परसेंट तो हैं आखिर ऐसा आरबीआई ने क्यों किया आरबीआई ने इसका जस्टिफिकेशन भी दिया है देखो इन्फ्लेशन 6.9 परसेंट तक चला गया था इन द मंथ ऑफ अगस्त सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो जबकि आप सबको तो पता ही होगा कि अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का अग्रीमेंट आरबीआई को इन्फ्लेशन 6 परसेंट या उससे कम रखना होता है इट हैज टू कीप द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन द रेंज ऑफ 2 परसेंट टू 6 परसेंट फिर भी आरबीआई ने सिक्स परसेंट के बावजूद भी रेपो रेट को बढ़ाया नहीं है कारण है कि हमारा डायरेक्शन में आरबीआई sort of तो की जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज अंडर मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट टू कीप इन्फ्लेशन बिटवीन 2 परसेंट टू 6 परसेंट लेकिन एट द सेम टाइम आरबीआई को यह भी देखना होता है कि ग्रोथ रेट भी सस्टेन हो इंडियन इकोनॉमी के अंदर और ऐसे हालात में जब देखो अगर वो रेपो रेट को बढ़ाती है तो नेचुरली इन्फ्लेशन तो थोड़ा कम होगा लेकिन ग्रोथ पे और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो अभी इंडियन इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती और अगर वो रेपो रेट को कम करती है और ताकि ग्रोथ को पिकअप किया जाए वैसे हालात में इन्फ्लेशन और ज़्यादा अप कर जाएगा तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आर ने एक ट्रेड ऑफ किया है और आर ने रेपो रेट को फिक्स रखा है चार जितना था उतना ही रखा है और आर ने यह भी उम्मीद जताई है कि आने वाले टाइम में आने वाले एक दो महीने में रेप इन्फ्लेशन रेट अपने आप कम हो करके 4.5 परसेंट के रेंज में आ जाएगा जो दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है आरबीआई ने इन दिस मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू दैट इज रिगार्डिंग आरटीजीएस सर्विसेज सो आरटीजीएस सर्विसेज विल बी नाउ अवेलेबल 24/7 फ्रॉम दिसंबर 2020। तो जरा डिटेल में समझते हैं कि आर सर्विसेज होते क्या हैं आर स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इट इज अ काइंड ऑफ फंड ट्रांसफर मान लो ए है ये आप हम कोई भी हो सकते हैं हमें बी के अकाउंट में पैसे जमा करने हैं तो हम आर के थ्रू एक तरह का फंड ट्रांसफ़र का मेथड होता है इस आर के थ्रू हम अपने अकाउंट अपना जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू बी के बैंक अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं ताकि बी वहां से पैसा निकाल सके इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इस फंड ट्रांसफ़र सिस्टम को हम लोग कहते हैं आर अब देखो इसके फुल फॉर्म को जरा समझते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वाइट इज नोन एज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्योंकि जैसे ही आप पैसा डालेंगे वैसे ही बी के अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसी टाइम बी के अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम सेटलमेंट और जरा ये भी देख लेते हैं कि इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्यों कहते हैं रियल टाइम आई होप तो आप समझ गए हैं ग्रॉस सेटलमेंट भी समझ लेते हैं वाइट इज नोन एज ग्रॉस सेटलमेंट तो देखो ग्रॉस और नेट सेटलमेंट के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं मान लो कि ए को बी के अकाउंट में पैसे डालने हैं तो दो तरीके से पैसा डाला जा सकता है अगर मान लो कि ए को बी के अकाउंट में सौ रुपए डालने हैं और बी को एक के अकाउंट में पचास रुपए डालने हैं ऐसा हो सकता है कि दोनों को कुछ एक पेमेंट करना है ए हैज टू पे बी हंड्रेड रुपीज वल बी हैज टू पे ए फिफ्टी रुपीज तो जो ग्रॉस सेटलमेंट होगा वो कैसे होगा ए बी के अकाउंट में सौ रुपये डाल दे और बी ए के अकाउंट में पचास रुपये डाल दे इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस सेटलमेंट तो देखो इन ग्रॉस पेमेंट टू ट्रांजैक्शंस विल हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल रुपीज हंड्रेड विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम एज अकाउंट टू बी अकाउंट ग्रॉस आप समझो इस बात को ग्रॉस कैसा होता है जिसमें पूरा पूरा पैसा जाएगा ए को सौ रुपया देना है बी को तो पहले सौ रुपये एक के अकाउंट से बी में जाएगा और बी को पचास रुपये देने हैं ए को तो फिर पचास रुपये बी के अकाउंट से ए के अकाउंट में आएगा ये होता है ग्रॉस पेमेंट जबकि नेट पेमेंट कैसा होता है पैसा काट करके एक बार में ट्रांजैक्शन हो जाता है अगर इधर से मान लो ए ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सौ रुपये बी के अकाउंट में डालना है और बी ने रिक्वेस्ट किया इधर से कि मुझे पचास ए के अकाउंट में डालना है तो नेट सेटलमेंट हो जाता है और सीधा सीधा सेटलमेंट होगा कि ए एक के एक अकाउंट से बस पचास रुपए ट्रांसफर होंगे बी के अकाउंट में सो so ये होता है नेट सेटलमेंट सो so नेट सेटलमेंट इज वन ट्रांजेक्शन जो हिसाब किताब फाइनल बनता है वो एक बार में ट्रांजेक्शन हो जाता है दैट इज नोन एज नेट सेटलमेंट या नेट पेमेंट जबकि ग्रॉस पेमेंट में जितने बार ट्रांजेक्शन रेज किया जाएगा उतनी बार ट्रांजेक्शन होगा ए ने सौ रुपये डाले बी ने पचास रुपये डाले हुआ अल्टीमेटली वही कि अल्टीमेटली एक अकाउंट एक से पचास रुपये बी के अकाउंट में गए अल्टीमेटली हुआ यही लेकिन ग्रॉस पेमेंट में दो ट्रांजेक्शन हुए जबकि नेट पेमेंट में बस एक ट्रांजेक्शन हुआ और तो ये है मीनिंग ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट जबकि रियल टाइम सेटलमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मान लो अगर अभी दस बजे ए ने ये पेमेंट किया तो उसी टाइम बिल्कुल उसी वक्त बी के अकाउंट में वह पैसा चला जाएगा दैट इज नोन एज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मेथड अब एक करंट न्यूज क्या है कि अब पहले ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मेथड बस बैंकिंग आवर्स में अवेलेबल था जो भी बैंकिंग आवर्स इंक्लूडिंग सैटरडे यानी कि सुबह नौ बजे से लेकर शाम छः बजे तक उसके अलावा हम आर नहीं कर सकते थे लेकिन अब आर हम कभी भी कर सकते हैं आफ्टर दिसंबर ट्वेंटी ऐसा आर ने अनाउंस किया है और आर देखो जनरली लार्जर अमाउंट के लिए होता है जो बड़े बड़े जो मर्चेंट होते हैं बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है आरटीजीएस तो इसके लिए एक मिनिमम लिमिट रखी गई है ऑफ रुपीज टू लैख तो जो भी आरटीजीएस ट्रांसफर होंगे उसमें मिनिमम टू लाख या उससे ज्यादा कहीं ट्रांजैक्शन हो सकता है इससे कम कर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता तीसरा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है अंडर मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू दैट इज अबाउट ऑन टैप लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन ऑफ रुपीज वन लैख करोड़ तो आई होप कि आपको रेपो ऑप्शन तो पता ही होगा रीपर्चेज ऑब्लिगेशन क्या होती है इट इज है मोनिट्री पॉलिसी टूल ऑफ आर जिसमें आर बी शॉर्ट टर्म लोन देती है कॉमर्शियल बैंक्स को मैक्सिमम 14 डेज के लिए जनरली तो ओवरनाइट के लिए देती है एक दिनों के लिए मैक्सिमम ऑफ फोर्टीन डेज के लिए शॉर्ट टर्म लोन दे सकती है आर टू कॉमर्शियल बैंक्स और जिस रेट पर वो लोन देती है उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट और ये रेपो रेट इज ए काइंड ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टूल रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल जो फ्लो ऑफ फंड इन द इंडियन इकोनॉमी है वो कम हो जाता है अगर रेपो रेट को घटा दिया जाए तो ओवरऑल फ्लो ऑफ फंड इन इंडियन इकोनॉमी वो बढ़ जाता है यानी कि रेपो रेट को बढ़ाना इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी रेपो रेट को घटाना इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी रेपो रेट को कब घटाया जाएगा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता है बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं लोग की इन्फ्लेशन ज्यादा है वैसे टाइम में कॉन्ट्रैक्शनरी अपनाई जाएगी और आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा मान लो ग्रोथ रेट कम है वैसे टाइम एक्सपेंशनरी और RBI repo को घटा देगा सो दट इज हाउ रेपो वर्क अभी रेपो तो जनरली नॉर्मली रेपो ऑप्शन शॉर्ट टर्म लेंडिंग लेकिन आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन एल टी आर ओ इंट्रोड्यूस किया है ऑफ वन ट्रिलियन रुपीज इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन में कैसा होगा कि अब लंबे समय के लिए पहले कैसा था बस मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए आरबीआई कमर्शियल कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती थी अंडर रेपो अब अंडर लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन सब लंबे समय के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा दिया जाएगा ताकि वो पैसा वो आगे इंडियन बोरओवर्स को पास ऑन कर सके और जिसके बेसिस पे ग्रोथ आ सके इकनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन का फ़ायदा क्या होगा इट विल एश्योर बैंक्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी एट रीजनेबल कॉस्ट तो बैंक्स को अब गारंटी हो जाएगी कि इसके पास जब चाहे तो वो आर से लॉन्ग टर्म में पैसा ले सकता है तो इस कारण से बैंक आराम से आगे लोन पास कर सकता है बोरोवर्स को और इस ये एक तरक्की समझो कि एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज़ अ मेथड लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन इज अ स्टेबल मेथड टू पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इनटू इंडियन इकोनॉमी तो और ये जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन है इसमें भी जब भी ये कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा आर से इंडियन इकोनॉमी में पास करने के लिए उस पर भी इंटरेस्ट इसको बस रेपो रेट के बराबर ही लगेगा सो दिस लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन का जो इंटरेस्ट रेट है दैट हैज़ बीन लिंक्ड विथ रेपो रेट इट इज़ ए फ्लोटिंग रेट फ्लोटिंग रेट मतलब वो बढ़ घट सकता है जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑप्शन का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अगर रेपो रेट घटेगा तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट पे जो इंटरेस्ट रेट है इस बैंक को चुकाना है टू द आरबीआई वो भी So that is a floating rate linked to repo rate. जो चौथा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है दैट इज़ रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है या बेचती है ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये थोड़ा अलग तरीके का है ये आर अपनी पूरी हिस्ट्री में पहली बार कर रही है जिस तरह का ओपन मार्केट ऑपरेशन उसने अनाउंस किया है देखो इसमें करेगी क्या आर बी आई आर बी आई विल बाई बैक डेटेड सिक्योरिटीज ऑफ़ द स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट्स की डेटेड सिक्योरिटी खरीदेगी सेकेंडरी मार्केट से ये मान लो इंडियन बॉन्ड मार्केट है वहां से डेटेड सिक्योरिटी खरीदेगी आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की तो ट्रेजरी बिल होती नहीं है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं उसकी सिर्फ डेटेड से सिक्योरिटी होती है और वो डेटेड सिक्योरिटी खरीदेगी तो इससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखो हाउ इट विल बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट्स मान लो आसाम सरकार है तो आसाम सरकार जब अब अपनी डेटेड सिक्योरिटी मार्केट में बेचने जाएगा जब डेटेड बॉन्ड मार्केट में बेचने जाएगा तो नंबर ऑफ डेटेड बॉन्ड्स ऑफ आसाम गवर्नमेंट ऑलरेडी इन द इंडियन इकनॉमी विल बी लेस तो जब मार्केट के अंदर डेटेड बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज के नंबर्स कम होंगे तो आसाम सरकार को इंटरेस्ट रेट कम चुकाना पड़ेगा दिस इज सिमिलर टू ऑपरेशन ट्विस्ट ऑपरेशन ट्विस्ट जो मैं 25th फिफ्थ सेप्टेबर के अपने न्यूज एनालिसिस में काफी डिटेल में समझा चुका हूं उसको आप जाकर के देख सकते हैं फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट ये जो अप्रोच है ये ऑपरेशन ट्विस्ट जैसा ही है दोनों में बस अंतर इतना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट वॉज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट वैल दिस इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स तो स्टेट गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज को खरीद लेगी ताकि नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडियन बॉन्ड मार्केट कम्स डाउन सो दैट वन द स्टेट गवर्नमेंट रिलीज इट्स बॉन्ड इन द इंडियन इकनॉमी इट नीड इट्स नीड टू पे लेसर इंटरेस्ट रेट इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक दे रखा है कमेंट सेक्शन को देखो आरटीजीएस तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मिनिमम अमाउंट टू लैक इमीडिएट सेटलमेंट होता है रियल टाइम सेटलमेंट होता है इसके लिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है मैंने दिखाया था ना बैंक अकाउंट होने चाहिए देखो दूसरा तरीका होता है अकाउंट ट्रांसफर का डिजिटल ट्रांसफर का वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको हम लोग कहते हैं एन -E इसमें कोई भी लिमिट नहीं है एक रुपये तक का भी भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्निकली लेकिन इसमें कैसा है इट इज़ डन इन बैचेज मतलब इसमें आधे घंटे का कम से कम वक्त लगेगा ये कैसा था रियल टाइम था इट इज़ डन इन बैचेज अगर आपने अभी ट्रांसफ़र किया तो आधे घंटे या एक घंटे बाद वो पैसा ट्रांसफ़र होगा और इसके लिए कोई बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है आप बैंक किसी बैंक के अंदर जा कर के सीधा सीधा पैसा जमा करा सकते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में सो so इस बेसिस पे आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्राम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट नोबल पीस प्राइज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मासेले बस पेपर थ्री इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू सो देखते हैं न्यूज आर्टिकल देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ बीन गिविन नोबल पीस प्राइज फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर अक्रॉस द वर्ल्ड जरा समझते हैं अभी एक बात तो आपको पता चली गई होगी अभी तक कि जो नोबल पीस प्राइज होता है वो एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है एट द सेम टाइम इट कैन बी गिवन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल तो इस बार एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जरा समझते हैं वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ अ लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइफ चेंजिंग लाइफ देखो सरल शब्दों में सिर्फ फोट इमेज को देखो आपको समझ आ जाएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ़ यूनाइटेड नेशन करता क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और दुनिया में जहाँ कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता है जहाँ कहीं भी मान लो लोगों को आ, हंगर का सामना करना पड़ता है गरीबी होती है किसी भी कारण से वहाँ पर यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खाना पहुँचाता है तो दैट वे इट कॉम्बैट्स हंगर और इसके इसी एक्टिविटीज के कारण इसको इस साल नोबल पीस प्राइज दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन 1961 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन दैट इज ए एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो इन दोनों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का और उसकी स्पेशलाइज एजेंसी है एफ एओ दोनों ने मिलकर ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है विद इन यूनाइटेड नेशन इट्सेल्फ इसको सेटअप किया था इसका हेड क्वार्टर है रोम इटली के अंदर इसको याद रखेंगे इस साल के पीटी के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की थोड़ी और हिस्ट्री देख लेते हैं देखो नाइनटीन में यू प्रेसिडेंट डी आइजन ने सजेस्ट किया था सेटिंग अप ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फूड सिक्योरिटी थ्रो यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म तो uh, इनके रिकमेंडेशन के बाद ही ये यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल फूड प्रोग्राम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं डी आईजेन हुअर यू एस प्रेसिडेंट ऑन हुज़ रिकमेंडेशन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज इस्टेब्लिश और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो पहला आ, आ, हंगर कॉम्बैट प्रोग्राम था देट वाज इन सहारा रीजन फॉर नूबियंस तो नूबियंस एक तरह के ट्राइब्स हैं ऑफ़ सहारा रीजन्स दे स्पेशली लिव इन नदन सूडान एंड सदर्न इजिप्ट इनके लिए उसने सबसे पहले एक फूड प्रोग्राम चलाया था कॉम्बैट हंगर प्रोग्राम चलाया था नाइनटीन तो so, हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि नूबियन ट्राइब्स belong to which of the following region of the world they might give you options latin america africa ऑस्ट्रेलिया समथिंग लाइक दैट सो द आंसर विल बी अफ्रीका करेंट एक्टिविटीज़ देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सो so 2015 थाउजेंड में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे उसके अंदर अंदर जो दूसरा गोल नंबर है आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टोटल सेवेंटीन गोल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं दैट वल्ड टुगेदर हैज़ टू अचीव बाई ट्वेंटी तो टारगेट टाइम दिया गया ट्वेंटी थर्टी तक इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और जो दूसरा प्रोग्राम है जीरो हंगर उसको अचीव करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और 2018 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रिजोल्यूशन प्रपोज़ किया था और फाइनली ये रिजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट भी हो गया इस रिजोल्यूशन का नंबर था रिजोल्यूशन नंबर 2417 देखो इस रिजोल्यूशन में क्या कहा आ, गया है वो भी ज़रा समझते हैं इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है वो भी देखते हैं इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि जहाँ कहीं भी कन्फ्लिक्ट होगा जहाँ कहीं भी इंटरनल सिविल वॉर होगा जैसे मान लो सीरिया के अंदर सिविल वॉर है या कन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर है या कन्फ्लिक्ट है तो इस रिजोल्यूशन नंबर टू वो, फोर वन सेवन जो प्रपोज़ किया था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने उसने ये कहा है कि जहाँ भी कन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पर हंगर का प्रॉब्लम होगा ही होगा जहाँ पर भी इंटरनल लड़ाई चल रही बहुत लंबे समय तक वहाँ पर हंगर का प्रॉब्लम होगा ही होगा और वैसे जगहों पर हमें स्पेशली

इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी हमने आपको यहाँ पे हिंट्स दे रखा है यू कैन यूज दिस हिंट्स एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट इट इज अबाउट एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सो so, सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं इंडिया है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल होता क्या है ज़रा समझते हैं इस फिगर की मदद से समझते हैं मान लो ये कोई एनिमी का रडार है किसी भी दुश्मन कंट्री का मान लो पाकिस्तान का ये रडार है या चाइना का रडार है तो रडार काम क्या करता है वो सिग्नल भेजता है इस तरह से ताकि हमारा जो भी फाइटर प्लेन है या कुछ भी है उसको आइडेंटिफाई कर ले और एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर एनिमी का दुश्मन का जो मिसाइल है वो हमारे इस फाइटर प्लेन पे अटैक करेगा इस तरीके से एनिमी का रडार काम करता है तो अब इस एनिमी के रडार के अगेंस्ट हमने एक एंटी रडार या एंटी रेडिएशन मिसाइल बना लिया है ये देखो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये छोटा वाला जो इस हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर ही लगा हुआ होगा और इसके पहले कि ये सिग्नल भेज करके हमारे एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करे और हमारे एयरक्राफ्ट पे अटैक करे उसके पहले ये हमारा रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल इस एनिमी के रडार पे अटैक कर देगा और इसको एक्सप्लोड कर देगा दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल ये छोटा सा मिसाइल है जो हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर ही लगा होगा और जैसे इसको रेडिएशन मिलेगा ये उसको आइडेंटिफाई करके दुश्मन के रडार को ही डिस्ट्रॉय कर देगा और ये जो रुतरम एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये सरफेस इट्स अ एयर टू सरफेस मिसाइल तो ये हवा से ज़मीन पे अटैक करेगा और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने फॉर इंडियन एयर फोर्स एंड इसमें क्या करेगा ये एज आई टोल्ड यू इट विल डिटेक्ट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द एडवर्सरीज या एनिमीज रडार कम्युनिकेशन एसेट एंड एनी अदर रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स इट इज़ कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एक्यूरेटली इवन इफ द रेडिएशन सोर्स स्विचेज ऑफ इन बिटवीन अगर एक बार रेडिएशन इसने डिटेक्ट कर लिया अब उसके बाद ये अपना रेडिएशन ऑफ भी कर ले तब भी इसको आइडेंटिफाई करके जाके हिट कर देगा और इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 100 किलोमीटर्स तक की है इस रुद्रम का न्यूज़ तो यही है कि रुद्रम का हमने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया हमने बना तो लिया था डीआरडीओ ने अब इसका हमने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कर लिया है इसको हमने सुखोई एम के वन एयरक्राफ्ट से रिलीज़ किया और इसने बिल्कुल सही निशाने पे जा करके हिट किया है तो डीआरडीओ ने एक, एक क्लिप रिलीज़ की है उस रिगार्डिंग दिस सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल उस क्लिप को एक बार देख लेते हैं जा करके बिल्कुल सही निशाने पे जा के हिट किया ये जो ये रुद्रम मिसाइल है जो सुखोई एम के वन से रिलीज हुआ था अभी ये तो टेस्टिंग है बस अभी तो हमने अपने देश के अंदर ही बालासोर में इसको लॉन्च किया है और कोस्ट पे जरूरत पड़े तो हम लोग इसको एनिमी के अगेंस्ट भी लॉन्च कर सकते हैं आ। टुडे वी विल सी सम पीटी रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे कि इनको अलग से मैं कवर करूं बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट हो सकता है पीटी में हमसे पूछा जा सके तो पहला इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो देखो पॉलिटिकल uh, पार्टीज को अगर मान लो कोई भी नई पोलिटिकल पार्टी बन रही है तो उसको रजिस्टर करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उसको बताना होता है कि इट इज़ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ बिन क्रिएटेड और इसको रजिस्टर करना होता है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 29 ए ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हमारे सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया अभी न्यूज़ आर्टिकल बस ये है कि पहले अगर कोई भी नई पोलिटिकल पार्टी बनती थी तो उसको तीस दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाकर के रजिस्टर करना होता था कि वी हैव क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी प्लीज़ रजिस्टर अस अलॉट अस अ न्यू सिंबल तो ये सारी चीज़ें तीस दिनों के अंदर करनी होती थी लेकिन अब ये नया नॉर्म्स लेकर के आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके अंतर्गत नौ एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद आपको सात दिनों के अंदर यू हैव टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इट हैज़ बिन द नोटिस पीरियड हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम थर्टी डेज टू सेवन डेज दूसरा जो छोटा इंफॉर्मेशन है दैट इज रिगार्डिंग हर घर जल स्टेट तो गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस in our segment, most probable pt topics for upcoming apsc we will cover topic number 91 to 93. topic number 91 is about halo india youth games 2021. haryana will host fourth edition of halo india youth games of 2021, while assam had already hosted third edition of halo india youth games that was held in 2020. please attempt this question that is based on topic number 91. topic number 92 is about bandikut robot. bandikut robot was recently in news because it was procured by Guwahati municipal corporation from jcb be to clean manholes please attempt this question that is based on topic number 92 topic number 93 is about gandhiji's visit to assam so gandhiji visited four times assam in his lifetime in 1921 he visited during non-cooperation movement in 1926 he visited to attend 41st session of indian national congress that was held in Guwahati. in 1934 he again visited to campaign against untouchability and then in 1946 he moved to assam to campaign against partition of india and convince people against rights between hindus and muslims during this period he stayed in saranya आश्रम इन सरनिया हिल्स इन गोवाहाटी एंड टू कमेमोरेट गांधी जी विजिट टू सरनिया गोवाहाटी गांधी स्टैचू वॉज स्कल्प्टेड बाई राम किंकर बाइज ये बहुत ही पॉपुलर स्कल्पर हैं असाम के इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए राम किंकर बाइज साहब ने महात्मा गांधी का स्कल्पचर बनाया था टू कॉमेमोरेट इज विजिट टू सरनिया हिल्स और इस स्कल्पर का उन्होंने नाम दिया है द अ प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर थ्री This is the answer of question number 88 to 90 that we are given in yesterday's newspaper analysis today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section we will be setting answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis That's all from our side for today thanks for watching